झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति की बैठक का आयोजन पुराने विधानसभा के सभागार में किया। इस बैठक में प्रेम शाही मुंडा, देवकुमार थान सहित राज्य के सभी जनजाति के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में सरना धर्म कोड को लेकर आगे की रणनीति तय की गई। संगठन के सदस्यों ने सरना धर्म कोड की लड़ाई को प्रखंड, पंचायत और ग्राम तक ले जाने की रणनीति पर काम करने का इरादा किया है। राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय ने संगठन को और भी मजबूत बनाने की रणनीति बनाई है। संगठन ने 2021 की जनगणना में देश में आदिवासी अपना धर्म सरना धर्म लिखने पर जोर दे रहे हैं, ताकि इससे आदिवासियों की संख्या की सही जानकारी प्राप्त हो सके। आदिवासी नेता सरना धर्म कोड की लड़ाई को और भी तेज करने की रणनीति बना रहे हैं। भारतीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति के झारखंड प्रदेश का बैठक कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से आज हम लोग जिला स्तर पर जो है संगठन पर और प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर कैसे हम संगठन को मजबूत करें और आने वाला 2021 के जनगणना में हमारे जो सारे आदिवासी लोग आदिवासी धर्म लिखें, इसी के लिए हम लोग मुख्य रूप से आज इस पर फोकस कर रहे हैं। दूसरा जो है रांची में आयोजित इस बैठक में आदिवासी नेताओं ने पॉलिटिकल पार्टियों पर सरना धर्म कोड को लेकर रणनीति करने का आरोप भी लगाया है। आदिवासी अपनी पहचान सरना धर्म कोड से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। देश में आंदोलन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन राज्य स्तरीय ये बैठक हमारा हो रहा है और ये धर्म कोड की आंधी जो है चल चुकी है और देख रहे हैं कि आदिवासियों को धर्म कोड देने में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं देश में सब एक राजनीतिकरण कर रहा है, जबकि आजाद भारत के पहले हमारा 1871 से लेकर के 1951 तक हमारा धर्म कोड था, लेकिन आज हमारा नहीं है। इसलिए ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और किसी भी कीमत पर यदि इस बार जनगणना में यदि 2021 की जनगणना में सरना धर्म लिखने की मांग आदिवासी समाज का एक धड़ा कर रहा है। अब इस मांग का भविष्य क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।